जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। सिद्धगोड़ा अमर संघ क्लब में आज रक्तदान शिविर हो रहा। और रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ आज बात करते हैं कि आज रक्तदान शिविर कितने यूनिट का लक्ष्य रखा गया था और अभी तक कितने यूनिट रक्त आप कर चुके हैं। आज का क्या क्या प्लान है काम का? कुछ खास नहीं, वही बच्चों के लिए कॉपी कलम लाना है और घर के लिए राशन भी लाना है। अच्छा जी, सब काम याद है और बिजली का बिल जमा करने का भूल जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ, आज बिजली का बिल भी जमा करना है। बकाया बिल के कारण कल गोलू के घर का कनेक्शन कट गया, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। हाँ बाबा, आज बिजली बिल जरूर जमा कर दूंगा। हाँ, आज सब काम के साथ बिजली बिल भी जमा करना। मैं महार समाज का अध्यक्ष, हमारे साथ माननीय राजेश अरकने जी महासचिव और हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हम लोगों ने रक्तदान शिविर का आज अमल संघ में कार्यक्रम रखा है और हम लोग का 50 यूनिट का लक्ष्य है। हम लोग अभी तक 30 यूनिट उठा चुके हैं, 30 यूनिट हम लोग का अभी तक रक्तदान हो चुका है और हम लोग का समाज इस तरह के कार्यक्रम में आगे बढ़कर के हिस्सा लेता है। प्रतिवर्ष हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद से हम बहुत अच्छे ढंग से इसको संपन्न करते हैं। समाज में और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है आपके? हमारे समाज में हम लोग जो है कि कहीं हम लोगों के पास में क्लब नहीं है, ज़मीन नहीं है और हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग भाड़ा में क्लब लेते हैं। हमारा समाज बहुत गरीब लोगों का समाज है और हम लोग आपस में कलेक्शन करके जो है कि इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। तो समाज से हमारा यही निवेदन है कि हम लोग 50 साल से ऊपर हो गया हम लोग जमशेदपुर में रह रहे हैं। महार समाज अम्बेडकर समाज से आता है, अम्बेडकर हमारे पूर्वज थे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और हम समाज से चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं एक जगह मिल जाए जहाँ क्लब वगैरह बना के दे दे तो हम अपना बैनर वहाँ महार समाज का बैनर लगाएंगे और हर कार्यक्रम हर साल करेंगे। गरीबों का उत्थान के लिए हम लोग आगे बढ़कर काम करेंगे। इस समाज में सबसे बड़ी चीज़ें की हुआ यंग टीम जो पूरे लगे हुए हैं, पहले उस यंग टीम से बात करते हैं। कितना अच्छा लग रहा है रक्तदान का आयोजन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग समाज के द्वारा किया हुआ कार्यक्रम, जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं सब एक दूसरे के साथ मिल के किए हैं, बहुत खुश। क्या बोलना चाहते हैं अपने समाज की तरफ से? मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आगे बढ़े और रक्तदान करें। जितना हमने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा हुआ है और हर साल हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा धार्मिक काम। शुक्रिया। क्या बोलना जी? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि महार समाज हमेशा भी कुछ वर्षों से लगातार अपने भी समाज और हमारे जमशेदपुर में रहने वाले तमाम समाज जो गरीब है, दलित है, सब हम लोग उनके लिए प्रयास करते हैं। ब्लड का ज़रूरत हो, किसी को आर्थिक मदद हो, इस प्रकार का हम लोग गरीबों का सेवा करते हैं। किसी के दवाई का ज़रूरत है तो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करके उनका सेवा करने का कोशिश करते हैं। और कोरोना काल में भी हमने बहुत प्रकार का सहयोग किए थे, सब समाज के अन्य लोगों को भी, अपने भी समाज के और समाज के अन्य लोगों को भी हम लोग सेवा किए हैं। तो माननीय झारखंड सरकार या जमशेदपुर प्रशासन से अनुरोध है, डीसी साहब से अनुरोध है कि कम से कम हम लोग को एक सामुदायिक भवन कहीं पर भी एक देने की कृपा करें। हमारा समाज आप सभी का आभारी रहेगा। सभी समाज का अपना भवन है लेकिन यह समाज का अपना भवन नहीं है। हमें
50 वर्ष तक इसका समाज का भवन नहीं। हम चाहेंगे कि अपनी अपनी जो बात है आप किनको किनको बोलना चाहते हैं राज्य में, उनको भी आप बोलिए। हम लोग यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें। हम चाहेंगे कि टाटा कंपनी ने हर समाज को जगह दिया है और हमारे समाज को अभी तक जगह नहीं मिला है, जबकि हमने एक बार लेटर भी दिया था उनको, और टिस्को एरिया ज़मीन देख के कहीं भी हमको अगर जगह देते हैं तो हम विधायक के फंड से उसको हम बनवाएंगे। देना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतीय महिला लोग को? हम तो चाहते हैं कि जेंट्स लोग तो देते ही ब्लड, लेकिन लेडीज लोग को भी आगे बढ़ के ब्लड देना जरूरी है, उन लोगों को भी देना पड़ चाहिए, यही हम चाहते हैं। क्या बोलेंगे आप? मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि लेडीज लोग को भी आगे बढ़कर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। चलिए, कितना घर में बोलेंगे अपनी बेटी बहू को ब्लड देने के लिए? देखिए, जगह का कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। हम चाह रहे हैं कि टाटा स्टील के साथ साथ जितने भी जिला प्रशासन है कि इस समाज के लिए भी आप जगह दे, सुविधा दे, क्योंकि यह समाज कोरोना काल में अच्छे कामों में गिनती होता है, और यह समाज के माध्यम से सभी बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी का काम किया जाता है। हमें विश्वास है कि जिला प्रशासन या टाटा कॉर्पोरेट घराना भी इन्हें जरूर अवश्य अपना भवन देगा, जहाँ पर यह रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और एजुकेशन के आगे की जो भविष्य की योजना है वहाँ इसको और अच्छा से कर सके। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।